आपसे जानना चाहूंगी सर कि किस आपको कैसा फिलहाल लग रहा है, क्या कुछ सूचना आपको मिली है मंत्री पद को लेकर के? हाँ, अभी अभी मुझे मिला है, सीएमओ से सूचना मिली है कि आपको कल शपथ ग्रहण करना है, 10:30 बजे समय मिला है राजभवन में, पूरे है राजभवन में, राजभवन में। सर किस तरीके से इस पूरे पदभार को आप देखते हैं, क्योंकि आप एक वरिष्ठ नेता रहे हैं जेएमएम के, और कोल्हान की अगर बात करते हैं तो कोल्हान से भी आप काफी ज्यादा वरिष्ठ हैं, आदिवासियों में आपकी बहुत बड़ी पैठ है, इसको आप कैसे देखते हैं सर, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? देखिए, आज निश्चित तौर पर हम सबसे पहले विषम गुरु शिबू सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी को आभार प्रकट कर रहे हैं, जो आज हमको, हम गुरु जी के साथ झारखंड अलग राज के आंदोलन से हम जुड़े हुए रहे 1980 से जी 1980 से जुड़े के झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही के तौर पर हम जुड़े थे। आज अलग राज का आंदोलन में भी काफी हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए, कई बार जेल जाना पड़ा, और पार्टी ने हमको पूर्वी सिंहभूम जिला से कम अभी वर्तमान में भी जिला अध्यक्ष हूँ, चार टर्म हमको जिला अध्यक्ष बनाया था जी, चार टर्म मतलब 2 साल का जिला टर्म होता है, 2 साल का जिला का अध्यक्ष का टर्म होता है, लेकिन अभी 4 बार जिला का अध्यक्ष पार्टी ने मुझे बनाया है, और जिसका कारण पूरे इसे पूर्वी सिंहभूम जिला के साथ साथ पूरे कोल्हान में, जब यहाँ पर जिला 1990 का पहले एक ही जिला था, और 1980 से हम लोग जुड़े हुए, इसका मतलब जब सिंहभूम एक जिला था तभी से हम लोग पूरा इसको झारखंड अलग राज्य आंदोलन के लिए पूरा एक जिला में रहते हुए हम लोग पूरा काम किया जी, और 90 में जिला अलग होने के बाद मुझे प्रथम जिला का सचिव पद पर मुझे, हम लोग का तो इलेक्शन होता है ना चुनाव में जी, जब जिला अलग हुआ सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जी, तो मुझे सचिव का पद पर मिला। जो भी हो, आज निश्चित रूप से हमारा ये जो आज जो मुझे जिम्मेवारी दी है, निश्चित रूप पर हम इस पर हम काफी खुशी है, छुट्टी मुझे मुझे लगता है कि पार्टी मुझे सम्मान दिया है, और इस सम्मान को हम झारखंड की एक एक जनता तक मैं पहुंचाने का काम करूंगा। जो भी मुझे जिम्मेवारी मिला है, मिलेगा, मतलब मिला नहीं है, मिलेगा, उसे मेरा ये सोच है कि उसको हम पूर्ण रूप से निष्ठापूर्वक हम निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। रामदास जी, एक मेरा और मिला नहीं जी, हाँ। एक और मेरा सवाल रहेगा आपसे कि आप चंपई सोरेन जी के जाने को कैसे देखते हैं, और आपको भी जो मंत्री पद मिल रहा है उसके लिए आपको काफी कम समय मिल रहा है, तो इसको आप कैसे निभाएंगे, कैसे करेंगे, जनता के बीच कैसे जाएंगे, इन सभी चीजों को लेकर के? सबसे पहला सवाल तो चंपई दा के जाने को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, चंपई दा का जाने का उसका निजी विचार रहा, क्योंकि ये हम लोग का समझ ही पड़ा है, चूंकि वो भी झारखंड आंदोलनकारी रहा है, और उसको जितना सम्मान मिलना चाहिए था, हमारा संगठन झारखंड मुक्ति मोर्चा, गुरु जी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने उसको अधिक सम्मान दिया जी। जितना मिलना चाहिए उसे बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया है जी। कहीं भी सम्मान देने में पार्टी कमी नहीं रखा, आज विषम गुरु शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन उसको सम्मान देने में कहीं भी कमी नहीं रखा गया। सर आपको क्योंकि काफी कम समय मिलेगा, चुनाव का आगाज होने जा रहा है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है, तो इतने कम समय में मंत्री पद को संभालना और सारी चीजों को जनता के बीच ले जाना कितना टफ होने वाला है आपके लिए? देखिए, जो भी हो, पार्टी जो जिम्मेवारी मुझे देने जा रही है, निश्चित रूप से जितना भी कम समय मिले, जो भी समय मिले, उसको पूर्ण रूप से हम जनता के बीच में अपना पद का जिम्मेवारी जो सदुपयोग करेंगे जी, उसको हम सदुपयोग करेंगे, काम में लाएंगे उसको। ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर 99 के साथ बात करने के लिए सर।